आपके फेसबुक या जीमेल अकाउंट को खतरे में डाल सकती है ये थर्ड पार्टी एप्स, जानिए कैसे। नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल पढ़कर समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक किसके बारे में है। आज हम कुछ ऐसी थर्ड पार्टी ऐप के बारे में जानेंगे जो कि आपके फेसबुक या जीमेल अकाउंट को खतरे में डाल सकती है, और बहुत कुछ भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो अक्सर आपने ये नोटिस किया ही होगा कि इंटरनेट पर ब्राउजिंग के दौरान किसी वेबसाइट में लॉगिन करने की जगह ईमेल या फेसबुक अकाउंट के जरिए एक्सेस का विकल्प दिया जाता है, जो कि इसमें समय कम लगता है इसलिए हम इस विकल्प को चुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी लापरवाही के कारण जीमेल या फेसबुक अकाउंट और इससे स्टोर गोपनीय सूचनाएं खतरे में पड़ सकती है? जी हाँ, दरअसल इसलिए किसी भी थर्ड पार्टी आपको अपने जीमेल या फेसबुक का एक्सेस देते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए और उनके नियम शर्तों को ध्यान से देखने के बाद ही ऐसा करना चाहिए। आपको बता दें कि थर्ड पार्टी ऐप या साइट के जीमेल या फेसबुक अकाउंट को कई तरह से एक्सेस कर सकती है। दरअसल ज़्यादातर कंपनी को साइन इन के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका पता, आपका प्रोफाइल पिक्चर और आपका संपर्क नंबर चाहिए होता है। अगर आप इस साइट के साथ कोई सरोकार रखना चाहते हैं तो एक्सेस देने में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ वेबसाइट या ऐप का मकसद ही आपका डेटा चोरी करना होता है। इसके लिए वे आकर्षण ऑफर या मजेदार क्विज का झांसा देकर आपके अकाउंट का पूरा एक्सेस ले लेती है। मतलब यही कि एक बार जीमेल या फेसबुक से साइन इन करने के बाद वे आपके ईमेल, पोस्ट, कमेंट, कॉन्टेक्ट लिस्ट या फ्रेंड लिस्ट को पढ़ने या डाउनलोड करने या फिर एडिट या डिलीट करने का अधिकार ले लेती है। थर्ड पार्टी ऐप आपके अकाउंट की सुरक्षा और आपकी गोपनीयता के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में किसी भी ऐप को अपने अकाउंट का फुल एक्सेस देने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। बता दें कि किसी भी ऐप या साइट को अपने अकाउंट का एक्सेस देने से पहले कुछ बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी बातों के बारे में जानते हैं जिसको आप कोई थर्ड पार्टी ऐप में साइन इन करने से पहले आपको जानना जरूरी है। नंबर वन, साइट या ऐप कितना भरोसेमंद है और आप उसके बारे में कितना जानते हैं। अगर आप उस साइट के बारे में कुछ जानते नहीं है तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और उसके बारे में पूरी माहिती लीजिए और फिर साइन इन कीजिए। नंबर टू, दरअसल ऐसा भी हो सकता है कि ऐप या साइट के डेवलपर का कोई गलत इरादा ना हो लेकिन उसका सर्वर ज़्यादा सुरक्षित ना हो। दरअसल अगर किसी ने सर्वर हैक कर लिया तो आपकी गोपनीय सूचनाएं भी चोरी हो सकती है। नंबर थ्री, सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन वो साइट या ऐप क्यों ले रही है और उस माहिती यानी कि इन्फॉर्मेशन को वो कैसे इस्तेमाल कर रही है और आपके अलावा आपके डेटा को कौन देख रहा है, इसकी माहिती आपको होनी चाहिए। नंबर चार, साथ ही ये भी जाने कि क्या साइट या ऐप से आप अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि थर्ड पार्टी ऐप या फिर साइट में साइन अप करने से पहले आपको क्या क्या माहिती लेनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको जान लेना चाहिए और फिर ही साइन अप कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मालूम चले कि ये सिस्टम क्या होता है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।